नमस्ते स्टूडेंट्स, आई जेवीएन डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, सचिव डब्ल्यूएमएस जयपुर, क्लिनिकल कंसल्टेंट इन सूर्यांश आरोग्य शाला विद्यापीठ उमन जयपुर. इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट वर्णागाध्य इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ शल्य तंत्र. इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट व्रण. इन मॉडर्न साइंस इट इज कॉल्ड वुंड और अल्सर. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द व्रण? व्रण व्रण शब्द की निरुक्ति अपन पढ़ते हैं. सुश्रुत चिकित्सा अध्याय एक में बताई है, व्रणति इति व्रण, या फिर व्रणति इति गात्र व्यवर्ण्यम करोति अर्थम कहते हैं. त्वचा को व्रण प्रदान करता है, तो व्यवर्ण उत्पन्न करता था, उसे व्रण कहते हैं. तो त्वचा को व्रण उत्पन्न करते तो व्यवर्ण उत्पन्न करता, उसे व्रण कहते हैं. और निरुक्ति बताइए, व्रण गात्र विचूर्ण, गात्र धातु का विदारण करता है, इसलिए इसे व्रण कहते हैं. अनदर निरुक्ति, व्रणोति आच्छादित इति व्रण, व्रणति गात्रम विवर्णति आच्छादित इति व्रण. व्रण निर्माण होने पर उस पर आच्छादन निर्माण होता है, इसे व्रण कहा जाता है. व्रण आच्छादन जिसको इसकार कहते हैं, व्रण आच्छादन अर्थात इसकार की निर्मित करता है, अर्थात व्रण हमेशा इसकार की निर्मित करता है. ये व्रण शब्द की निरुक्ति जो अपन ने पढ़ी, व्रण की थी व्रण है, व्रण की इति योगात वर्णम करोति तर्थम वर्ण गात विचोर्ण, वर्णोति आचार्य तिथि वर्ण, वर्णति गातम विवर्ण थी आचार्य तिथि वर्ण. वर्ण निर्माण होने पर उस पर आचार्य निर्माण से वर्ण कर. अब वर्ण की व्याख्या, वर्णोति यस्माद् रूढ़े अपि वर्ण वस्तु न वनश्यति आदे दानात् वर्ण इति उच्यते. व्रण की रूढ़ावस्था के पश्चात व्रण स्थान या व्रण वस्तु से व्रण वस्तु से शतांग इसका अर्थ आच्छादित रहता है, और ये शतांग यानी आच्छादन नष्ट नहीं होता है, आजीवन बना रहता है, तो इसे व्रण कहा जाता है. सुसुप्त स्थान के 21वें अध्याय तो व्रण प्रथम अध्याय में इसकी व्याख्या बताइए. वाग्वट ने इसकी व्याख्या बताई है, व्रण संजायते प्राय पाका शवतु पूर्व का. व्रण संजायते प्राय पाका शवतु पूर्व का, अर्थात प्रथम व्रण व्रण प्रथम सोत निर्माण होकर उसका पाक होने पर भेदन होने पर व्रण की निर्मिति होती है. व्रण संजायते प्राय पाका सवतु पूर्व का, प्रथम स्रोत होकर पाक उनका वेदन होकर वर्ण की निर्मित होती है. आगत व्रण में प्रथम व्रण स्रोत नहीं होता है. प्रकार दो वर्णों का होता है शारीरिक आगत, चिकित्सा अध्याय के प्रथम अध्याय में बताया दो वर्ण होते हैं सुश्रुति के अनुसार शारीरिक आगत के, माध्यम ज्ञान के साथ जीता वर्ण से विजय शारीरिक आगत दे देते हैं. माध्यम के अनुसार शारीरिक आगत उसने भी दो वेद हैं. अष्टांग के अनुसार वर्णों दीदार निज आगंत दुष्ट दुष्ट श्री वेद व्यवस्था सर्वेदन किया गया. अब अपन पढ़ेंगे निज वर्ण.
नाम बहि मार्ग समाश्रित जनिति निजायन वर्णान। सुश्रुत ने बताया तयो शरीर पवन पितृकफ पितृकफ श्रोण संपात निमित्त है। नित्य आहार विहार के कारण वाले दोष ऋतु दुष्ट होकर स्वतंत्र रूप से अथवा एकत्रित रूप से वर्ण की उत्पत्ति होती है। निज वर्ण में अल्पाधिक मात्रा में तीनों दोष की दृष्टि प्रारंभ से होती है। वर्ण प्रथम वर्ण स्रोत होता है उसका पाक होकर दारुण होता है वर्ण की उत्पत्ति होती है। स्वहेतु कारणों से दुष्ट हुए दोष बाह्य मार्ग आश्रित होकर गुणोत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार के वर्ण को निज वर्ण कहते हैं। उन्हीं को शरीर आगंतुक दोष वर्ण भी कहा जाता है। आगंतुक वर्ण यह वर्ण बाह्य हेतु के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण पतन गिरण बाह्य आगंतुक आगंतुक अपनी पुरुष पशु पक्षी व्याल सरीसृप पतन पीड़न प्रहार क्षण कपाल सिंह पुष्प सुक्ति कुंता निमित्ता। इसे प्रारंभ में दोष प्रकोप यह वर्ण बाह्य हेतु के कारण होता है। दंड पतन अथवा लकड़ी पत्थर प्राणी का संग नख दंत आदि का आघात प्रहार दंड क्षार अग्नि शस्त्र विषयुक्त आदि के कारण जो वर्ण होते हैं उसे आगंतुक वर्ण कहते हैं। इसमें प्रारंभ में दोष प्रकोप नहीं होता है। आगंतुक वर्ण निर्मित शुद्ध वर्ण होता है उसमें दोष दृष्टि का अभाव नहीं होता है। उसकी उपेक्षा करने का योग्य चिकित्सा न करने से दुष्ट अवस्था प्राप्त आगंतुक वर्ण को ही सद्य वर्ण कहा जाता है। आगंतुक वर्ण के छह प्रकार बताए गए छिन्न भिन्न विद्युत चत पिचित्र जो सद्य वर्ण अपन ने पढ़ लिए हैं। निज वर्ण के पुनः 15 प्रकार बताए स पंचद पंचदस्ता दोष ऐसा रखते आगुणों के वात पित्त कफ रक्त के कृत्य गण से निज वर्ण के कुल 15 प्रकार होते हैं। जैसे वात पित्त के एक दोषज द्वि दोषज त्रि दोषज कुल 7 प्रकार होते हैं। केवल रक्त से एक एक प्रकार दोषों पल विशेष पुनः क्षमाशात पंचदस प्रकार प्रसारण प्रसरण सामर्थ्यात शुद्धत्व षोडश इत्यादि की सहायता 7 दोष प्रकारों में प्रत्येक व्यक्ति मिलाकर 7 प्रकार थे। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक की प्रत्येक 15 प्रकार के निज वर्ण होते हैं। तथा आचार्य निज वर्ण के प्रकार में शुद्ध वर्ण की अशुद्ध अवस्था सम्मिलित करके इसके 16 प्रकार बताए। आगंतुक वर्ण के पर छिन्न भिन्न विद्युत चित में दो में सद्य वर्ण आगंतुक वर्ण के 6 प्रकार के बताए। छिन्न भिन्न क्षत छिन्न भिन्न विद्युत क्षत पिचित और दृष्ट आगंतुक वर्ण ये पुरुष ये पुरुष पशु पक्षी कीट जंतु जीवाणु प्रपतन पीड़न प्रहार अग्नि क्षार विष तीक्ष्ण औषध शस्त्र आदि से आघात होने पर निर्माण होता है। आगंतुक वर्ण को सुश्रुत ने अंतराकृति आगंतुक होने वाला कहा है। स्वागत ने कुछ अलग नाम होते हैं। आगंतुक वर्ण के 8 प्रकार बनाए हैं। सुश्रुत ने आगंतुक वर्ण को अनंत आकृति आगंतुक ने जो 8 प्रकार बताए वो हैं ग्रस्त अवकृत पिच्छित प्रलंबित पातित विद्य भिन्न विचलित ऐसे 8 प्रकार होते हैं। इस प्रकार अपने
अपन ने वर्ण की निरुक्ति पढ़ी, वर्ण की व्याख्या पढ़ी, उसके पश्चात वर्ण के प्रकार पढ़े। तो स्टूडेंट दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्या पीठ वुमेन्स टीचर प्रोग्राम। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरी प्लीज मेंशन कमेंट्स बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई जे वी एन डॉक्टर नरेंद्र सिंह सहगल असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सेल फैकल्टी ऑफ एरिक्सन ज्योति विद्या पीठ वुमेन्स टीचर प्रोग्राम। का वर्ण एक पक उदम्बर के समान अथवा शाव वर्णी होता तथा इसमें वाकपट के अंदर लाल तथा उम्र में असिद्ध होता है। इसमें ज्वर दात अष्टम मुहम्मद ये लक्षण होते हैं। पितृदुर्दति का पाक सत्तर होता है और इसका सेवन करने पर दिल प्लस जल के वर्ण के सदस्य स्राव होता है। स्राव सदस्य पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदना चिरो उत्थान प्रपागत सकंड उसका पति तो यह कप जीतती है। आकार शराब के समान होता है। पांडव शीत होता है, धीरे धीरे फैलने वाला था, पाक होने वाला, मंद वेदना करने लक्षणों से युक्त होता है। सुश्रुत के अनुसार इसका वेदन करने पर पांडव ने श्राव होता है। चरका श्राव गाड़े पे चला बोल मानता होता है। सन्नी पात्र जीवित्र नाना वर्ण अरुज श्राव पाटलो विष्णु महान किसम पच्चते चीवित्रदी निपातिका इस प्रकार के जिसका विषम काल स्वरूप में होता है। वेदन करने से इस प्रकार का स्वरूप होता है। सामान्य इस विकृति का आकार बढ़ाने का स्वरूप होता है। बोलने के लिए दो सभी प्रमाण व्यक्त होकर से दूसरे के लिए पुष्टि होती है। पता जो आकर जीवन करती बच्चे से विनय क्षतोक्ष्मण वायु विस्तृत है। सर रक्तम पीतम ये जर तष्णा जदास जायते तस्य देहिन एवं विद्रदी रागास्तु पित्र विद्रदी लक्षण। पतन गुड़ के कारण उत्पन्न वर्णों में तो वर्णित के द्वारा पत्र सेवन करने पर वायु का मार्ग अवरोध होता तथा अगत ग्रहण करी धातु के क्षय वात प्रकोप होता है। प्रकृत वात के कारण रक्त की दृष्टि निर्माण होकर सतत विद्युत उत्पन्न होती है। अगर पित्त रक्त विद्युत के समान लक्षण होते हैं जैसे ज्वर तृष्णा दाह लक्षण तीव्र स्वरूप के होते हैं। दैव गुण से विद्युत के उपदेश अधिक प्रमाण होते हैं। अब सतज या आगंतुक पंचम विद्युत सतज या आगंतुक विद्युत के कारण उत्पन्न वर्ण में वर्णित के द्वारा पत्य सेवन करने वायु का मार्ग अवरोध होता है। आघात के कारण धातुओं का होकर बात प्रकोप होता है। प्रकृत बात के कारण रक्त की दृष्टि निर्माण होकर सतत वृद्धि की उत्पन्न होती है। रक्त वृद्धि के समान लक्षण होते हैं। विशेष तरह ज्वर तृष्णा दाह ये लक्षण अधिक तीव्र स्वरूप होते हैं तथा वाग्भट के अनुसार सतत वृद्धि के उपद्रव इससे भी अधिक प्रमाण में होते हैं। Thank you.
प्रकार ही है। यहाँ पांच प्रकार की विकृतियों के लक्षण बताए गए हैं। अंतिम विकृति रक्त विकृति का लक्षण अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्या प्रबंधन टीचरपुर। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस डिजिटल सेशन। डाउट्स एंड क्वेरीज प्लीज मेंशन इन कमेंट्स। आई विल रिजॉल्व इट सून।